मस्जिद पे बीमारी, मस्जिद पे बहन चोर मादर चोर हाँ उन टांगे लगे बहुत ज्यादा चोर, सर में कुछ मारा है। देखिए घटना काजियाना मोहल्ला है, कुतवाली कन्नौज में, वहाँ की है। साविर नाम का व्यक्ति है, उसके घर पे करीब 25-30 लोग इकट्ठे हुए थे और सामूहिक रूप से नमाज पढ़ रहे थे। उसी समय लॉकडाउन को क्रियान्वित करने के लिए जो हमारी टीम है, गश्ती दल, एक सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 4-5 कांस्टेबल वगैरह थे, ये लोग वहाँ पे पहुंचे। और इन लोगों ने जब नमाज पढ़ने के बाद वो लोग निकल रहे थे तो पूछताछ शुरू की और वीडियो बनाना चाहा। उसी पे वहाँ पे जो लोग थे वो हमलावर हो गए और फावरे और कुल्हाड़ी से हमारे जो जवान थे वहाँ पे उस पर अचानक हमला बोल दिया। कुछ ईंट पत्थर भी फेंके गए मकान की छतों से। इसमें हमारे दो हेड कांस्टेबल हैं, एक स्थानीय अभिसूचना इकाई के हैं और एक जो है कन्नौज कोतवाली के हैं। इन दोनों को गंभीर चोटें आई हैं और गंभीर अवस्था में उनको वहाँ से लेकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनकी चिकित्सा चल रही है। घटना के बाद आसपास की जो पुलिस थी और हमारे अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ लोगों को हम लोगों ने अप्रीहेंड किया है और अभी कुछ शेष बचे लोग हैं उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। देखिए इसमें हम लोग जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। आपने देखा होगा कि जो यहाँ हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं तो उन लोगों ने बहुत ही कोऑपरेट किया और मस्जिदों में नमाज नहीं हुई, लेकिन कुछ सिरफिरे और बिल्कुल समाज के दुश्मन व्यक्ति हैं वो एक प्राइवेट परिसर में जो मकान है वहाँ शरारती किस्म के लोगों को इकट्ठा करके और ये हरकत की है और ये तो बिल्कुल मानवता के ऊपर प्रहार है और हम लोग जो भी विधिक कार्रवाई होगी कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अभी गिरफ्तारी चल रही है, मेरा ख्याल है 8-10 लोगों को हम लोगों ने अप्रीहेंड किया है। हम लोग पास वीडियो है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो रियल कल्प्रिट हैं उनको आइडेंटिफाई करें और जो आसपास के मकान के लोग थे तो उन लोगों ने भी अपने मकानों के ऊपर से पत्थर वगैरह फेंके हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।